बोल राम राजा सरकार की जय। आज हमारे मित्र हैं, इनके साथ अभी हम ओरछा के बाहर दरवाजे पे खड़े हुए हैं। दिवाली का आज परे भाई के दोज है ना, तो ये क्या चल रहा है? एक नृत्य चल रहा है, ये दिवाली का नृत्य है। ये देखिए, ये दीपावली के एक दिन बाद नृत्य होता है, इसको दिवाली खेलना बोलते हैं बुंदेलखंड की भाषा में। ये मोनिया भी बोलते हैं, ये बड़ा शुभ माना जाता है। और ये राम राजा सरकार के बाहर ही नृत्य मोनिया का चल रहा है समय। थोड़ा इधर आके बताओ अपने तरफ, ये नृत्य के बारे में थोड़ा बताएंगे। दिवाली के बाद जो नृत्य होता है बोलते लोग, हाँ प्याज और दो लोग प्याज चुराएंगे, ये लोग बहुत लोग, हाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, पैदल चलते हुए आते हैं लोग, और एक दूसरे के कई गांव से आते हैं, अलग अलग गांव से आते हैं। ये बुंदेलखंड का नृत्य है, और ये दिवाली के दिन दिवाली खेलते हैं। ये देखिए स्टेज का है, ग्यास तक चले, ग्यास तक। सतीश भाई, ये नृत्य जो अभी देख रहे थे अपन लोग, तो इस नृत्य के बारे में थोड़ा विस्तार से बताओ ना, यहाँ बुंदेलखंड में क्या हो? ये राम राजा की नगरी है, यहाँ ये जो दिवाली होती है, दिवाली बाद जो ग्यास पड़ती है, हाँ। ये नृत्य चलता है, यहाँ ये अच्छा। चलता है पूरा ग्यास तक, 11 दिन तक अलग अलग टोकरियों में लोग आते हैं, पैदल आते हैं बहुत दूर दूर से। अच्छा, व्रत रहता है उनका 11 दिन के लिए, 11 दिन का व्रत भी रखते हैं। तो इनको मोनिया भी बोलते हैं क्या? हाँ मोनिया बोलते हैं, मतलब मौन धारण करे। कितने दिन? 11 दिन चलता है। ये देखिए आइए जरा दोबारा फिर रिकॉर्ड करते हैं।
लाठी का नृत्य है, ये लाठी आपस में दो लोग मिलके ये पूरा घेरा बना के बजाते हैं। ये स्पेशल नृत्य है बुंदेलखंड का। दिवाली के बाद एकादशी तक ये चलता है नृत्य। आज तो सुबह से ही ये कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है, ये पूरे दिन चलेगा। अच्छा, एकादशी को और ज्यादा लोग हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा दर्शन करने जाते हैं, 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, आरती के दर्शन करके फिर जो भी होगा। हमारे सतीश भाई जय सियाराम बोल रहे हैं, इनकी मिठाई की दुकान है अभी, उसका भी थोड़ा सा बनाते हैं और जो भी भक्त यहाँ आए इनकी मिठाई की दुकान से भगवान का प्रसाद लेकर और दर्शन करने जाएं। जय सियाराम। ये मोनिया के पूरे लोग यो मोर पंख लिए हैं, ये पूरी टीम आई हुई है और ये फोटो सेशन चल रहा है इस समय। क्या दृश्य, क्या नजारा है, ये कितने लोगों की भीड़ है। ये जगह जगह से दूर दूर से गांव देहात से ये मोनिया लोग आते हैं। ये देख स्पेशल नजारा है, बुंदेलखंड की संस्कृति है। कहाँ से आए आप? ललितपुर। ललितपुर, वाह, क्या नाम है आप लोग? हमारा मुलायम सिंह राज। वाह, तो ये क्या कार्यक्रम चलता है? ये सेरा राय का कार्यक्रम है। अच्छा, जो हमारे मूर्छा धाम सरकार के दरबार में आए। वाह, देखिए अलग अलग कलर ड्रेस। सतीश भाई ये स्पेशल नजारा है आज का। हाँ, बढ़िया। आरती का समय हो रहा है, हम लोग दर्शन करने जाएंगे। देखिए सब कलरफुल अलग अलग ढोल नगाड़े लेके लोग आते हैं यहाँ। ये राम राजा सरकार के दरवाजे के बाहर ही है सब। जय सियाराम। आज ऐसा विशेष दिन है, पता नहीं हनुमान जी ने राम राजा सरकार ने प्रेरणा दी। मैं सुबह सुबह एकदम से तैयार होके ओरछा के लिए चल दिया। मुझे नहीं पता था कि आज ये दृश्य यहाँ रहेगा, ये बुंदेलखंड की कलाकृतियाँ भी देखने को मिलेंगी। राम राजा सरकार के मैं बाहर ही खड़ा हूँ प्रांगण में। और ये देखिए चतुर्भुज मंदिर है, ये राम राजा सरकार का मंदिर है। इस साइड देखिए ये दो खम्भे दिख रहे हैं, सावन भादों में, पहले ब्लॉग में भी बता चुका हूँ। आज मैं शायद थोड़ा लंबा ब्लॉग बनाऊँ और यहाँ की सारी कलाकृतियाँ दिखाने का प्रयास करूँगा। राम राजा सरकार ने ये ऐसा प्रेरणा दी है, हनुमान जी महाराज ने ऐसी प्रेरणा दी है कि ये ब्लॉग बना के लोगों तक पहुँचाऊँ, यहाँ की कलाकृतियाँ बुंदेलखंड की, ये कोट दिवाली की कलाकृतियाँ। आज मंदिर के अंदर अभी मैं दर्शन करके लौटा, लाखों हजारों लोगों की भीड़ है और सबके हाथ में मोर पंख हैं, जिन्हें मोनिया बोलते हैं। हर व्यक्ति के हाथ में मोर पंख, जैसे पीछे थोड़ा थोड़ा दृश्य दिखाई दे रहा होगा आपको। अभी मंदिर से जब आरती का समय चल रहा है, इस समय आरती के बाद लोग निकलेंगे तो मैं दृश्य दिखाता हूँ। क्या स्पेशल दृश्य है, क्या स्पेशल डे है मेरे लिए। मैं आज थोड़ा लंबा ब्लॉग बनाऊंगा यहाँ का। जैसे दिवाली के दिन जड़े लेकर, दो हाथ में लकड़ी के दो छड़ लेके लोग ऐसे दिवाली खेलते हैं बुंदेलखंड में। ये परंपरा है, बहुत पुरानी चली आ रही है। Thank you.
मोर पंख ये देख। ये देख मंदिर के बाहर से ये निकास द्वार है राम राजा सरकार का। हर व्यक्ति के हाथ में मोर पंख और बहुत दूर दूर से गांव देहात से लोग आए हुए हैं। ये देखिए सिर्फ हर व्यक्ति के हाथ में मोर पंख। सुबह के 9:15-9:30 बजने जा रहे हैं। लोग अलग अलग कलरफुल ड्रेस पहन के अपनी टीम के साथ लोग आए हुए, कोई झंडा लेके आया हुआ है। जैसे इधर ये प्रांगण है मोर्चा धाम राम राजा सरकार, इस प्रांगण में लोग अलग अलग नृत्य करें जिसको मैं रिकॉर्ड करूँगा। ऐसे कोई पीली ड्रेस पहने हैं। ये मंदिर के बाहर से जो भी निकल रहा है उसके हाथ में मोर पंख है। ये यहाँ मोनिया गोदिया भी बोलते हैं बुंदेलखंड में। एक ही कलर में सब लोग, उससे कहाँ से आए लोग, कहाँ से आए आप लोग? अच्छा मोनिया है सब लोग। कोई बताए कहाँ से आप लोग? हम लोग पन्ना जिला से हैं। पन्ना? पन्ना के आगे 50 किलोमीटर आगे। अच्छा बताइए एमपी बहुत दूर, यहाँ से पन्ना 150-200 किलोमीटर कितने दूर? 250-350 किलोमीटर। एक ही ड्रेस में? तो अब यहाँ कितने दिन रहेंगे? अब आज चले जाएंगे, कर ही रहे हैं। अच्छा तो अभी यहाँ नृत्य दिखाएंगे? हाँ। तो इसकी थोड़ी महिमा बताओ ना, ये जो बुंदेलखंड का नृत्य है इसके बारे में थोड़ा बताएं लोगों को। आ जाओ सभी लोग कलाकार, ऐसे बताएं थोड़ा सा मुझे क्या है ये? ये दिवाली है, मौन मूर्ति है, कृष्ण भगवान के नाम से बीरा उठाते हैं। वाह, दशहरा का इसका बीरा उठता है। अच्छा, तो ये दीपावली के अमावस्या के ऊपर निकलते हैं घर से। हाँ, तो परिवार का मौन बांधते हैं, जितने देश में लड़के सारे मौन है, सब मौन है, सब मौन है, इसको मोनिया भी बोलते हैं। हाँ, इसको मौन। और ये मोर पंख लेने का क्या मतलब? ये भगवान कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। अच्छा, हम लोग सब अधवंशी हैं, यादव। वाह, देखो यादव यादव मिल गए आज, भगवान की कृपा से। ये हम लोग प्रताप सिंह यादव मुटमुरू के नाम से टीम है। अच्छा, प्रताप सिंह यादव भित्री मुटमुरू, 5 हमारे स्कूल तो कमेटी। इसका उद्देश्य क्या होता है, मतलब भगवान को ये प्रिय है इसलिए? हाँ, ऐसा हमारा वो कुलवंशी उसलिए प्रिय, इसलिए हम यादवंशियों में तो कृष्ण भगवान। अच्छा, होता लिए है ना। तो यहाँ ओरछा आने का कैसे हो गया? ओरछा दर्शन। अच्छा, हम लोग 12 साल भ्रमण करते हैं। अपना परिचय बताइए ना। हलकाई सिंह यादव मुटमुरू। कहाँ से? हलकाई सिंह यादव, ग्राम पंचायत भित्री मुटमुरू। अच्छा, थाना सलेहा, जिला पन्ना, तहसील पवई। वाह, तो कितने लोग हैं अभी आप लोग? हमारे यहाँ कम से कम इसमें है 75 लोग। 75 लोग जी। काहे से आए आप लोग? बस हमेशा आते हैं या इसी साल आए? हमेशा आते हैं, यहाँ इसी साल आए। अच्छा। हर क्षेत्रों में जाते हैं, मतलब अलग अलग वर्ष में अलग अलग क्षेत्र में। हाँ हाँ। वाह, तो ये कितने दिन चलता है दिवाली के बाद? 12 वर्ष यहीं चलेगा। 12 वर्ष? 13वीं साल मथुरा वृंदावन जाएंगे हम। मतलब आप लगातार 12 वर्ष यहाँ हो? हर स्थान, हर स्थान में। अच्छा, कभी आज यहाँ आए, काल कहीं चित्रकूट, तो कभी देवी जी, कभी ऐसे भ्रमण करते रहते हम। 12 साल तक हम यहाँ भ्रमण करेंगे। जब 12 पूज जाएगी, 13वीं साल हम मथुरा वृंदावन जाएंगे, फिर वहाँ 12 साल नहीं, वहाँ पूजन। अच्छा, पूजन हो जाता है, पूजन हो जाएगा। जो ये मोर सखा है। हाँ, जो अमदितिया गंगा जी में। अच्छा, ये सब लोग मौन व्रत रहते हैं? सब ये मौन व्रत, और व्रत भी रहते हैं कि खाली मौन व्रत? अच्छा, अभी फल फूल के अलावा कुछ भोजन नहीं करेंगे। एकादशी तक रहे? नहीं, आज एक दिन, केवल एक दिन, केवल एक। तो ये बुंदेलखंड की परंपरा राम राजा सरकार के बाहर हम लोग आपको सुना रहे हैं। आज स्पेशल दृश्य है, हम भी आके यहाँ गदगद हो गए। और चाहे अभी मंदिर में दर्शन कर रहे थे, तो वहाँ भी हर आदमी के हाथ में ये मोर पंख और अलग अलग कलरफुल ड्रेस हैं, ये सब हमें दिखाई दिए। आनंद आ गया, बहुत अच्छा। चलिए जय सिया राम, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। जय सिया, स्टार्ट हो रहा है नृत्य। राधा बड़ी भागनी प्यारे, कौन तपस्या की रे, तीन लोक 14 भवन प्यारी सुर रहे तुम्हारे अधीन रे। Ha ha ha!
बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी हमने पन्ना की टीम की दिवाली का शूटिंग किया है। ये कोई नई टीम है, ये एकदम मंदिर के बाहर पीले कपड़े में है। ये देखिए, ये नृत्य होता है बुंदेलखंड दीपावली के बाद। ये भगवान कृष्ण को यूज करते हैं लोग, ऐसी यहाँ की परंपरा है। स्पेशल सब आदमियों के मोर पंख, ये टीम, इस टाइप का सारा नजारा ना, ये स्पेशल ही है। आज भगवान की कृपा से ही हमको मिला हुआ है। एक और टीम बैठी हुई है पूरे लाल कपड़े में, मैं उनसे भी बात करता हूँ। ये देखिए, पूरे रेड कपड़ों में है पूरी टीम। लैतपुर कहाँ से आए आप लोग? कहाँ से? ललितपुर में कहाँ से? अच्छा अच्छा, तो अभी हो गई आप लोगों का क्या होना है? अभी होना है, होना है। तो हम शूट करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अभी इनका कार्यक्रम यहाँ होगा भगवान के प्रांगण में, तो शूट करते हैं थोड़ा सा जैसे ही स्टार्ट होता है। जय श्री राम। एक और टीम है जो ऐसे कपड़े पहने रहती है। We'll be right back.
ये देखिए सिर्फ मोर पंख लगे, सब लोगों को मोर पंख। Thank you.
के प्रांगण। बचपन के मित्र आशीष गौतम जी मिल गए हैं मंदिर के बाहर और ये दर्शन करके एकदम निकले और मेरे को वाह हनुमान जी कृपा से राम राजा सरकार की कृपा से ये मिल गए हैं। इनसे भी यहाँ के बारे में कुछ पूछते हैं। आशीष यहाँ का नजारा देख के कुछ बताओ। नहीं आ रहा लेकिन आज जो ये कला चल रही है, ये जो नृत्य चल रहा है, इसके बारे में बताओ थोड़ा अगर जानकारी। चाचर चाचर प्रतियोगिता क्या हुआ? ये दिवाली में गोटे गोटे गाई जाती है, गोट वाला कार्यक्रम। अच्छा, तो ये गोटे गाई जा रही है और हर गांव से अपनी अपनी लोग टीम बना के लेके आए हुए हैं और ऐसी मान्यता है कि एक दिन का व्रत रखते हैं, इनको मौनिया भी बोलते हैं और मौन धारण भी करते हैं एक दिन। तो मौन धारण भी करते हैं और मौन व्रत भी वो व्रत भी रखते हैं। तो भगवान कृष्ण के अनुयायी होते हैं इसलिए मोर पंख लेके रखते हैं और जगह जगह जाते हैं। बताते हैं 12 वर्ष तक एक जगह लगातार जाते हैं ये मौनिया और फिर 13वीं वर्ष जो है ये वहाँ पे मथुरा वृंदावन जाके अपना मौन ये व्रत पूरा संपूर्ण करते हैं, ऐसा अभी किसी के द्वारा बताया गया है। तुम बताओ बाबा ये क्या है, ये जो कार्यक्रम चल रहा है? ये सब कृष्ण भगवान का है। कृष्ण भगवान का है? हाँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? हम आए लोगों तक पहुँचे। ये बुंदेलखंड की जो यहाँ कलाकृति चल रही है, ये डांस चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताओ विस्तार से। ये बताया गया है हमारे जेठ बुजुर्ग ने बताया, तो बताने बुजुर्ग ने जो बताया वो बताओ। ये बताया गया है कि जो कृष्ण भगवान के लिए कार्य चलाते थे, रात को नदी से जाते थे। कृष्ण भगवान क्या करते थे? कार्य चलाते थे। गाड़ गाड़ी गैया। अच्छा, गाय। हाँ। कृष्ण भगवान गाय चलाते थे और राधिका दही बेचने जाते थे। दही बेचने जाते बरसाने से। हाँ। वो कल आते। हाँ। तो जे कुंज गलन में जैसे रात का आड़ी गंजा हो गई थी। अच्छा, तो फिर कहती नहीं कि कब कब से को है कंगन बड़ा दिया कौन बनो है ग्वाल। हाँ। तो मोरा अपने जे के मोई मांग में हो तू। अच्छा, तुमने कही का हमें रात का कंगन बड़ा दिया हमें बने हैं ग्वाल। हाँ। तो बड़े मांग की शादी कर दे कना है का। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि कब कब से कंगन बड़ दिया भाई, कब कब कंगन चढ़ावे जाओ। हाँ। और खाए घेरी बाबा नंद की जी।
एक काली कमरे की उड़न हाय। तो इनने कहा कब से ग्वालन तुम भाई, कब कब तैरा बेचे माखन भाई बजा। वो भाई करोड़े बिकभान रजा थे। अच्छा। उनके पिता को नाम थे बिकभान। हाँ। और एक छिमाय की उड़न था। हाँ। उन्होंने कहा कि छिमाय छिमाय कन्हैया ना करो ना उड़े सातों जात, एक छिमाय मोए तेज रहो तो इस सब गंगन की। अच्छा। उन्होंने कहा कि कमाए कमाए राधा ना करो ना उड़े सातों जात, एक कमाए मोए तेज रहो तो इस सूरा से सकल वहाँ का झगड़ा है। मतलब दोनों लोगों के झगड़े का गेम है ये। वही बात नहीं, तो ये क्यों किया जा रहा है? इसलिए किया जाता है कृष्ण भगवान ने कहा, तो हम लोग वेदवंशी है। हाँ। अब तो सब कोई ले जाता है झंडा। हाँ। जो हम यादव है। हाँ। उनको झंडा लेते हैं महाराज काट दे तो उनकी रक्षा करते हैं, उनके नाम पर दान मंगाते हैं। आप लोग दान दे दीजिए, आप वहाँ जाके भंडारा करते चलने जाती। तो ये देखिए एक स्टोरी सुनाई अभी आप, क्या नाम है आपका? बिजलाल यादव द्वारा ये यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण की महिमा और लीला के बारे में बताया गया, जिसकी वजह से ये पूरे क्षेत्र के लोग गांव-गांव से अपनी टोली टीम बना के आते हैं और भगवान कृष्ण को खुश करने के लिए ये नृत्य करते हैं। दिवाली के एक दिन बाद मौन व्रत भी रहते हैं और व्रत भी रहते हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय, राम राजा सरकार की जय, भगवान कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। अलग अलग कलरफुल कपड़े पहन के लोग आते हैं, अलग अलग ड्रेस, अलग अलग गांव की पहचान। आज ये दीपावली का ये जो कार्यक्रम चल रहा था, इस कार्यक्रम से हम लोग लौटे हैं। अभी हमारे साथ जो ब्लॉग में सतीश जी थे, हमारे मित्र थे, उनकी दुकान पे पहुंचकर मैं आगे की यात्रा शुरू करने आया हूं। सतीश भाई तो जय सिया राम। अभी हम एक कैमरा लगाते हैं, थोड़ा अपनी दुकान के बारे में लोगों को बताएंगे आप, और हम अनुरोध और आग्रह करेंगे लोगों से कि जो यहाँ मंदिर के पीछे के दरवाजे कोई अगर मंदिर में दर्शन करने जाता है तो शिवा मिष्ठान भंडार है, जरा इनसे भी पूछते हैं इनके बारे में। शिवा मिष्ठान भंडार है, सतीश भाई की दुकान है, इनके यहाँ स्पेशल खोए के लड्डू पेड़ा ये मिठाइयाँ देते हैं। तो आप भक्तों से क्या कहना चाहेंगे और अपना परिचय देते हो लोगों को? बोले श्री राम। हाँ भाइयो, मेरा नाम है सतीश परिहार। हाँ। ये हमारी दुकान है मिठाई की। हाँ। यहाँ शुद्ध खोए का प्रसाद मिलता है, शुद्ध मावे का। अच्छा। भगवान को चढ़ाया जाता है। हाँ। डेली खोआ आता है हम लोग यहाँ, डेली हम लोग प्रसाद बनाते हैं जी। यहाँ कोई मिलावट नहीं होती है, बिल्कुल शुद्ध प्रसाद मिलता है देसी खोए का। आप लोगों से सबसे निवेदन है कि आप जब भी ओरछा आइएगा, हमारी दुकान है शिवा मिष्ठान भंडार। ये शिवा मिष्ठान भंडार इनकी दुकान है। सतीश भाई ये हमारे मित्र हैं और ये पीछे के रास्ते से जो लोग आते हैं ना, ये उसी रास्ते में ये पड़ती है। तो जो भी यहाँ आए इनके यहाँ से प्रसाद लेके भगवान के दरबार में जाए। जय सियाराम।